का मंगल हो। नमस्कार, जितने भी विवाहित युवक युवतियां हैं उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपका किसी भी कारणवश दाम्पत्य जीवन में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, मतलब सहमति नहीं बन पा रही है, किसी विचार को लेकर, किसी बिंदु को लेकर, कोई पॉइंट हो, कोई बात हो, कुल मिलाकर इतनी गहरी खाई बन चुकी है कि वो नहीं पट पा रही है, कोई हल नहीं निकल पा रहा है, केवल सिवाय मानसिक संताप, क्लेश, गहरा दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है, ना आर ना पार। वो कहते हैं ना तो जी पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं, ना रो पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं, ठीक है, ना सह पा रहे हैं, ना जी पा रहे, वाली बात हो रही है। और अचानक ही एक दिन क्या कहते हैं, कोई भी एक पक्ष तलाक का दावा दायर कर देता है। आप इस बात पे गौर करिए, मैं जिस बिंदु पे आपको लाना चाह रहा हूँ कि दावा, जैसे दावा दायर होता है कोर्ट के अंदर तलाक का, उसके बाद जो दुख, जो क्या कहते हैं, गहरी खाई बनी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्लेश था दिमाग के अंदर, मानसिक क्लेश जिसको बोलते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि और वो स्वाभाविक तौर पे वो दुख, वो मानसिक क्लेश, गहरी खाई अचानक ही कहते हैं केवल इस इच्छा में पलट जाती है, अब ये केस तलाक का हमारा कितनी जल्दी खत्म हो ताकि रास्ता आगे का साफ हो और हमें भी क्या कहते हैं, हम भी फारिग हो रोज रोज की खचखच से, ठीक है ना। फिर क्योंकि वो भी अलग, वो भी अलग, अब तो समझ में आ गई कि अब तो भी हमारा दावा दायर हो ही गया, अब तो कोई वाली बात ही नहीं है, अब कोई ना लेना ना देना ये चीज पे। तो इसीलिए मैं ये कहने जा रहा हूँ, दुख का अर्थ जहाँ होता है वो दुख में अलग चीज होती है, उसमें तो आंसू रुकते नहीं, बड़ा अजीब सी स्थिति होती है, लेकिन जब हमारा केस हो जाता है तब उसके बाद क्या कहते हैं, बस फिर एक ही चीज रहती है, इतना तो मानसिक संताप बस फिर हल्का सा बना रहता है दोनों पक्षों में, भाई कब तक फारिक होगा और कुछ अनहोनी ना हो जाए, बस इतनी, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मंगल कामना है, इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, हमें क्या कहते हैं, भगवान का जाप करना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए, उन पर ध्यान लगाए रखना चाहिए, उन्हीं से हमें क्या कहते हैं प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ही सुनेगा, सब कुछ है, बाकी तो जो होना है वो तो होगा ही, अपने अपने कर्म के हिसाब से। मंगल कामना, नमस्कार।